कर रहे हैं अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रूल है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। कॉन्टिन्यूस टेंस आपको पता है हमारे पास टोटल टेंसेस 12 होते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उन 12 टेंसेज में से 6 टेंसेज ऐसे हैं जिनमें हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। कौन सा है? हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें आपने यूज किया इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। उसके बाद आपने यूज किया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें आप यूज करते हैं वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आप यूज करते हैं विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें आप यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें आप हैड बीन प्लस सर्क्यू होम के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस सर्क्यू होम के साथ आईएनजी अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब क्या है? तीन टेंस में इज एम आर के बाद, वाज वर्ब के बाद, विल बी शैल बी के बाद, हैज बीन हैव बीन के बाद, हैड बीन के बाद, जो ये वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो जो यहाँ पर राइटिंग लिखा है, आपने क्या लिखा है यहाँ पे? राइटिंग। तो जो ये राइटिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले इज एम आर आया हुआ है, और ये कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है हमारे पास, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। आप देखेंगे यहाँ पर हैज बीन हैव बीन है, और आपको पता है हैज बीन हैव बीन के बाद भी ऑलवेज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद सेकंड रूल है, आपको मैंने बताया कि अभी पार्टिसिपल्स जो है वो या तो एज ए वर्ब यूज किए जाएंगे या फिर एज ए एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे, एज एन एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? द वर्ड्स विच आर विच क्वालिफाई नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे आई सा अ बर्न हाउस, तो आपको पता है यहाँ पर जो हाउस है ये क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले ऑलवेज क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, और बर्न का एडजेक्टिव होता है बर्निंग। क्या होता है? बी यू आर एन आई एन जी लगा दे, आई सा अ बर्निंग हाउस। नाउन नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव। तो अब ये यहां पर जो बर्न है ये वर्ब नहीं रहा बनके, बल्कि क्या बन गया है यहाँ पे? एडजेक्टिव बन गया है। क्लियर है? और इससे पहले आया हुआ है ए, ये आर्टिकल है। क्लियर है? सा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड आई इज सब्जेक्ट हियर, एंड इट इज आल्सो अ प्रोनाउन। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी एन इंटरेस्ट स्टोरी। आपको पता है स्टोरी जो है ये नाउन है, और नाउन से पहले आप एडजेक्टिव लगाएंगे, और इंटरेस्ट का एडजेक्टिव क्या होता है? यानी कि वर्ब से एडजेक्टिव बनाएंगे, इंटरेस्ट से इंटरेस्टिंग, आई एन टी ई आर ई एस टी आई एन जी, इंटरेस्टिंग। आई टोल्ड ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर स्टोरी नाउन है, इंटरेस्टिंग क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। एन क्या है? ये आर्टिकल है। मी ऑब्जेक्ट है, टोल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड ही इज सब्जेक्ट हियर। सारी बातें क्लियर है? उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट रूल है, एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हम एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जैसे हमने जीरंड को यूज किया था उसी प्रकार से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी यूज कर सकते हैं। जैसे द स्टोरी इज, स्टोरी कैसी है? इंटरेस्ट है, तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग हो जाएगा। द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग।
अब जो ये इंटरेस्टिंग है ना, अब ये वर्ब नहीं रहा, वर्ब तो यहां पर मेन वर्ब क्या बन गया, यहां पे इजमार बन गया है, ये इंटरेस्टिंग क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आप देखेंगे जो 2011 में जो एस्टेट हुआ था उस टाइम पे ज्यादा कंप्लीमेंट पूछे जाने लगे थे, तो उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटेंस में कौन सा, मतलब ये जो इंटरेस्टिंग है ये कौन सा कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है, स्टोरी की, कि स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है, तो जो इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? द वर्क वॉज टायर है, द वर्क वॉज, अब काम कैसा था, काम की विशेषता बताइए, काम को कंप्लीमेंट दिया गया कि टायरिंग था, तो क्या हो जाएगा, टी आई आर ई को काट देंगे और आई एन जी लगा देंगे, ई आर से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, टायरिंग। क्लियर? लास्ट टूल है हमारे पास, एज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, जैसे आई फाउंड हर, मैंने उसे पाया, कैसे पाया, ये आई फाउंड हर, आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म में फाइंड से बना है, हर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आई फाउंड हर, मैंने उस लड़की को पाया, यानी कि ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया गया, कैसी थी वो, स्लीपिंग, सो रही थी, सोते हुए, क्राई, क्राइंग, मैंने उसे चीखते हुए चिल्लाते हुए पाया, वर्किंग, वर्क करते हुए पाया, वीपिंग, मैंने उसे रोते हुए पाया, ठीक है, तो आईएनजी लग जाएगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो स्लीपिंग है, क्राइंग है, वर्किंग है, वीपिंग है, इनको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद है वी हर्ड द बॉम्ब, वी सब्जेक्ट है यहाँ पे, हर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द बॉम्ब ऑब्जेक्ट है, और बॉम्ब को कैसे पाया, एक्सप्लोड, क्या हो जाएगा, ई एक्स पी एल ओ डी आई एन जी, एक्सप्लोडिंग, हटते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल।